हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं मेरी इस वीडियो में बनाने जा रही हूँ वॉल हैंगिंग। तो यहाँ पर मैंने एक पुराना कार्डबोर्ड लिया है, तो जिस पर मैं डिवाइडर की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। सर्कल को ड्रॉ करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। मेरे पास काफ़ी दिन से ये कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था, तो मैं बहुत दिन से सोची थी यार इसका कुछ तो बनाऊँ। पर मुझे आइडिया आ गया कि मुझे क्या बनाना चाहिए। मैं यहाँ पर एक येलो कलर का पेपर नहीं था, तो मैंने येलो कलर का जो वेडिंग कार्ड होता है वो ले लिया। अभी बहुत शादियाँ चल रही है, इसलिए घर पे भी काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आते हैं और बहुत सुंदर सुंदर रहते हैं, तो हम उनका रीयूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं संभाल के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से फेविकॉल लगा रही हूँ। मैं इसे पूरे अच्छे से फैला दूँगी, फिर देन उसके बाद अब जो मैंने सर्कल कट किया था वो इस पर पेस्ट कर दूँगी। इसी तरीके से हम बैक साइड भी फेविकॉल लगा कर येलो पेपर को पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरीके से पेस्ट कर लिया है, और अब मैं यहाँ पर पेंसिल से जो मैं इस पर कुछ बनाना चाहती थी वो मैं ड्रॉ कर लूँगी। तो मैं इसे फटाफट ड्रॉ करके दिखाऊँगी। कोई भी वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, देखने पे समझ नहीं आता है कि यह कितनी देर में बनी होगी, लेकिन जब बनाने बैठो तब समझ आता है कि बहुत टाइम लगता है। छोटी सी वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, इसलिए प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करना और दूसरों को भी शेयर करना। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैंने थोड़ा नीचे ड्रॉ कर लिया है, तो मैं इसे इरेज करके ऊपर कर लूँगी। तो यहाँ आप कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर राम भगवान का नाम लिख रही हूँ, आप नमस्ते भी लिख सकते हैं या वेलकम भी लिख सकते हो। तो अब मैं जो सर्कल बना रही हूँ यहाँ पर मुझे होल करना है, तो मैं यहाँ पर 5 सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, और अब मैं इसमें फटाफट से कलर कर लूँगी। आप अपनी पसंद से कोई भी कलर कर सकते हैं। ये मैंने पर्पल कलर लिया है, बट वीडियो में थोड़ा ब्लैक कलर जैसा लग रहा है, बट वो है पर्पल। मैं इसमें कलर कर रही हूँ, तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट करके भी ज़रूर बताना। अगर आपको ऐसी ही और भी वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास मज़ेदार वीडियो आती रहे। मैंने यहाँ पर स्किन कलर बनाने के लिए वाइट में थोड़ा सा ऑरेंज कलर मिक्स किया है। यहाँ पर मैंने पूरे फेस पे इसलिए कर दिया था क्योंकि ये सूख जाएगा, उसके बाद मैं ब्लैक कलर से ऊपर इसके आईज़, नोज़ और लिप्स वगैरह सब कुछ बना सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसकी टोपी में वाइट कलर कर रही हूँ। देन मैं लूँगी अब ब्लैक एक्रेलिक कलर, तो यहाँ पर मैं इसकी आउटलाइन कर दूँगी। अगर आपको ब्रश से आउटलाइन नहीं करते बनता है तो आप स्केच पेन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा कलर सूख चुका है, इसलिए अब मैं इसके आँख और मुंह सब कुछ बना दूँगी। बहुत सुंदर लगने लगा है ये अब। अगर आपको ब्रश का यूज़ नहीं आता है तो आप ब्लैक पेन से भी बना सकते हैं। मैं हल्का सा रेड कलर का टीका लगाऊंगी, इससे ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर अब मैं ब्लैक मार्कर का यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसे डेकोरेट करने के लिए कुछ मिरर्स लूँगी, और फिर फेविकॉल की हेल्प से मैं इसमें सारे मिरर पेस्ट कर लूँगी। सारे मिरर नहीं, मतलब जैसे मुझे लगाना है वैसे लगाऊँगी। तो मुझे अब वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट करके दिखाऊँगी। मिरर की जगह अगर हम कलर से कोई फ्लावर या कुछ जो भी बेला वाली डिज़ाइन बनती है वो भी बना सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगेगी।
तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसमें मिरर को पेस्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 5 होल कर लूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ मोती लिए हैं, तो यहाँ पर मैं मोतियों से इस तरीके से जो नीचे लटकन के लिए बनाते हैं, माला बनाते हैं, वो बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने 5 मालाएं रेडी कर ली है। अब मैं इन्हें इसमें बांध दूंगी। हमें 5ों मालाओं को अच्छे से बांध लेना है, और बांधने के बाद लास्ट में जो धागा बचेगा हमें उसे काटना नहीं है, क्योंकि अगर वो खुल जाएगा तो सारे मोती गिर जाएंगे। इन्हें अच्छे से बांधने के बाद जो सभी के धागे बचे हैं वो मैं पीछे से टेप लगाकर इन्हें चिपका लूँगी। इसके बाद अब मैं ऊपर की साइड एक और धागा लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने ऊन लिया है, आप कोई सा भी धागा ले सकते हो। तो इसे फेविकॉल से मैं चिपका दूंगी, पर मैंने इसे अच्छी तरीके से चिपका लिया है। तो अब हमारा बॉल हैंगिंग रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई वीडियो बनवाना चाहते हो तो मेरी किसी भी वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हो। मैं सबकी भी कमेंट देखती हूँ और वीडियो भी बनाती हूँ। तो मेरी वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।